नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आर सोफाज में। आज जो हम पर्टिकुलर जो सोफा बना है वो बहुत ही लग्जरी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो काफ़ी दिन बाद हम लोग बना रहे हैं, पर आप लोगों के साथ हम हमेशा शेयर करते रहते हैं जो भी हमारे पास यूनिक बनता है। तो आइए एक बार अभिषेक से आप रिक्वेस्ट करें, एक बार दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसकी खूबसूरती के बारे में बात करें, क्योंकि कस्टमर खुद तारीफ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिसका बना हुआ है वो ऑलरेडी हमारे पास कई बार तारीफ कर चुका है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और बाकी अगर आप देखेंगे बाकी सब क्या फैब्रिक है, क्या मटेरियल यूज किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। एक बात आराम से दिखा दीजिएगा जिससे कि क्लैरिटी और आ जाएगी। इसमें देखेंगे एक साइड का अगर एरिया डायमेंशन की बात करें, एक साइड पूरा 9 फिट है और एक साइड 11 फिट है, और ये साथ में आपका डिवाइडर जो है, डिवाइडर की अगर बात करेंगे ये 5 फिट का है, दो लोगों के आराम से बैठने के लिए स्पेस है। पहले हम डिजाइन का ही वर्क की बात कर ले रहे हैं, पहले अनिल को ही दिखा देते हैं। जैसे अनिल, ये इसके कुशन का वर्क चल रहा है, इस पर अगर आप देखेंगे ये इस तरीके से वर्क होता है, वो भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आप देखेंगे फ्रंट में ये जैसे ये डिजाइन इन्होंने निकाली है, इसी तरीके से ये डिजाइन बनेगी। इसमें पीछे अगर आप पीछे साइड देखेंगे तो ये अस्तर रहता है, और बीच में जो देखेंगे 10 mm की HR का फॉर्म रहता है। ये देखिए इस तरीके से ये बनके भी रेडी हो गया। अब इसमें कुशन भी रहेगा। अगर आप पीछे वर्क देखेंगे ये डिजाइन ऑलरेडी है ही है, बिना डिजाइन के भी रखना चाहे आराम से रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। इसके बाद ये कुशन भी बनेगा तो और भी अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से पूरे में सेगमेंट के तरीके कुशन रखी जाएगी जी। ये बात कर रहा था जो इसका बैक में डिजाइन बना है, एक होता है कि नॉर्मली हम लोग डिजाइन बना देते हैं वो समय के साथ साथ लूज कपड़ा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है जी। पर इस तरीके से जो सिलाई की जाती है, हैवी स्टिचिंग है, अगर आप देखेंगे बहुत प्योरली अगर दिखाएंगे, इस साइड भी अगर देखेंगे वही सेम इसमें वर्क किया गया है। तो ये क्या है आपका लॉन्ग लास्टिंग, बहुत समय तक जब तक आप 15-16 साल यूज करेंगे कोई सोफे में कंप्लेन आने वाला नहीं है। इसी तरीके की इसकी सीट में भी देखेंगे जो स्टिचिंग करी गई है, ये भी इसी तरीके की स्टिचिंग करी गई, ये थोड़ा और सॉफ्ट फॉर्म है क्योंकि आपको बैठने में कंफर्ट फील हो। इस तरीके से जब आप बैठते हैं तो ये मटेरियल के बारे में भी हम बात करेंगे, क्या मटेरियल जिससे कि सॉफ्टनेस और बढ़ सकती है, क्योंकि जो लोग बनाते हैं या जो बनवाते हैं उनकी भी जानकारी के लिए कि क्या ऐसा मटेरियल यूज किया जाए बैठने में, 5-6 घंटे जो बैठते हैं तो उनको कम्फर्ट हो कि, और जिसमें जो हार्डनेस है वो कम से कम रहे, उसको एक लग्जरी फील दिया है। अब हम बात कर लेते हैं हैंडल से ही बात करते हैं। अगर आप फ्रंट में देखेंगे एसिस का वर्क है, एसिस यूज किया गया है, एसिस का मैचिंग का ही अगर आप देखेंगे इसके साथ ये 10 mm में जैसे सीट में सिलाई की वैसे ही इसमें भी सिलाई किया गया है, तो ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। अगर आप साथ में देखेंगे एसिस के लैक उसी सेम मैचिंग के मिलाए गए हैं जिससे कि लुक और भी अच्छा लगे। अब फ्रंट से भी आ जाइए, फ्रंट से भी इसी तरीके से वो एल में बना हुआ है, नीचे तक वैसे ही आया है। डबल कलर की कस्टमर की डिमांड थी इसलिए हमने 2 कलर इस्तेमाल करे हैं। इसके साथ अगर आप देखेंगे पूरा बॉर्डर एरिया में देखेंगे और बैक में देखेंगे क्रीम कलर है, बाकी अगर देखेंगे तो आपका चोरी कलर ही इस्तेमाल किया गया है। अब इसके साथ बात कर लेते हैं इसके हेडड्रेस की, क्योंकि हेडड्रेस की बहुत ज़्यादा बात होती रहती है कि फिक्स वाले भी रहते हैं, कई बार रोटेट वाले भी रहते हैं, एक अपर रोटेट होता है, एक साइड रोटेट होता है। इसमें आपका जो है इस तरीके से जैसे भी सामने वाला बैठता है तो आराम से बैठ के इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जैसे आपको जितना भी एडजस्ट करना है। अगर आपको और पीछे करना है और पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे करना है, बिल्कुल जितना आपको ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से ये कॉर्नर में भी देखेंगे हमने कर्व का है, अगर आप देखेंगे पूरा पैटर्न वाइज रखा है, इसमें कर्व किया है, वैसे एल ना बना के कर्व कर देते हैं तो जिनके पास स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है वो कॉर्नर सेट के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि लुक में थोड़ा हैवी लगता है। एल में जहाँ पे स्पेस कम है वहाँ एल बेहतर रहता है, क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। होल्ड करके दिखा दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं दोनों चीज़ों की। अब ये तो हो गई हम सोफे की बात कर रहे थे, अब सीट में भी जो आप देख रहे हैं इस तरीके से जो वर्क है, ये देखिए दोनों तरीके से वर्क होता है। अगर आप ये वाला वर्क देखेंगे अगर सीट पर रहता है तो सीट में कई बार हमें क्लीनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है इस तरीके से, क्योंकि बहुत क्लोज वर्क है, और ये फ्लैट वर्क रहता है इसमें बड़ी आसानी से आप साफ कर सकते हैं, या कई लोग कवर डलाते हैं तो कवर भी अच्छा रहता है, कवर से थोड़ा लाइफ और बढ़ जाती है। तो ये दोनों तरीके से बेहतर है, ये सिलाई समय बेस्ट रहती है। जितने भी ओवरऑल हम सिलाई करते हैं डिमांड तो ऐसे बहुत ज़्यादा रहती हैं कस्टमर की अलग अलग, पर हम रिकमेंड करते हैं कि ऐसा रहे जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहे और मेंटेनेंस कम से कम रहे।
अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ था। अब ये बात कर लेते हैं, देखिए ये आपका सिग्नेचर का है। वैसे कंपनी जो है अप टू 10 ईयर वारंटी देती है, इसमें सॉफ्टनेस बहुत ज़्यादा रहती है, नेचुरल प्रोडक्ट है इसीलिए सॉफ्टनेस। इसके साथ साथ कस्टमर को हम रिकमेंड भी करते हैं, वो कई कस्टमर जैसे ये सॉफ्टी हुई, इसके ऊपर सॉफ्टी का इस्तेमाल हो जाता है तो और बेहतर रहता है। इसका अगर आप बैठते हैं तो फील आता है, जो लग्जरी वाला जो फील होता है वो आपको बैठने में लगेगा। आप कितना ही 8-9 घंटे, कुछ लोग होते हैं जिनका वर्क ही होता है या घर पे भी रेस्ट करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो नेचुरल प्रोडक्ट है तो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें हीट जनरेट नहीं करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो फॉर्म आते हैं वो हार्ड सरफेस के पेट्रोलियम पदार्थ से बने होते हैं, हीट जनरेट, ये नेचुरल है इसमें हीट जनरेट नहीं होती है। और पीछे आपको आवाज़ भी आ रही होगी, वो इसी का वर्क चल रहा है अभी, किचन का दोनों साइड, एक अनिल जो बैठे हैं सुरेश है वो इसी का वर्क कर रहे हैं। अब ये तो हो गई, हम लोग बात कर रहे थे इसका क्या डायमेंशन है। डायमेंशन हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इस साइड से अगर आप देखेंगे, हैंडल से स्टार्टिंग करेंगे एंड तक का एरिया देखेंगे, ये आपका 9 फिट का है। 9 फिट के एरिया में अगर आप आराम से देखेंगे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कॉर्नर को हम निकाल भी देंगे, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब इसी तरीके से इस साइड भी देखेंगे 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, तो 4 लोगों की सिटिंग इस साइड है, पूरा आपका 11 फिट का एरिया है। अब इसी तरीके से ये डिवाइडर की बात कर लेते हैं, डिवाइडर में भी 2 लोग आराम से बैठेंगे कंफर्ट के साथ, क्योंकि उनके पास स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है कस्टमर का। तो बड़ा हॉल के लिए ये ऐसी चीज़ें रहती हैं जो बड़े हॉल के लिए ज़्यादा बेहतर रहती हैं। अब इसमें हमने टेबल की इसी की कॉपर नहीं, क्योंकि नाप के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है कि आपका जो एरिया है, कोई भी किसी भी कॉर्नर पर बैठा हुआ हो या हैंडल के लास्ट में बैठा हुआ है, कोई भी चीज़ है आसानी से पिक कर ले टेबल का। तो टेबल की अगर बात करें तो 2.5x4 का टेबल आपका बना हुआ है। हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि क्या प्राइस रहने वाला है। देखिए इस तरीके के आर्टिकल 7,000 रुपये पर सीट से स्टार्ट होते हैं, इनका बेसिक ही है, क्योंकि लग्जरी में अगर आप जाओगे तो 7 से 12 तक में जाते हैं, बेसिक में जाएंगे तो 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में रहने वाला है। ये 7,000 रुपये पर सीट से स्टार्ट हुआ है और 7 से 7.5 के बीच इसकी बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कपड़े का उसी हिसाब से फैब्रिक में अगर लग्जरी सेगमेंट में जाते हैं तो कम से कम 7 से 7.5 के ऊपर कपड़ा रहता है तो और भी अच्छा रहता है। अब कपड़े की अभी हम बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कपड़े में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसी में देखेंगे ये स्वेट का फैब्रिक है, ऑलरेडी वर्क इतना ज़्यादा है तो ज़रूरत नहीं है। अब वारंटी की बात कर लेते हैं, 5 साल में आपको कंप्लीट वारंटी है, आपका कुछ भी हो ऑन साइड वारंटी वैसे भी रहती है। अब प्राइसिंग की हमने बात की, पर सीट के हिसाब से 7,000 रुपये पर सीट से मिले, मटेरियल आपके सामने है, सारा कुछ है। अब कंप्लीट हम बात कर लेते हैं इसकी लैग की, ओवरऑल लैग में है, ऐसे में रखेंगे तो बहुत अच्छा है, पॉलिश वाले आइटम में थोड़ा कंप्लेन रहने के चांसेस रहते हैं, बाकी ओवरऑल ऑलरेडी हम पूरा कवर करते हैं गारंटी में, तो वैसा कुछ रहने वाला है नहीं। तो अभी के लिए नमस्कार।